हाय फ्रेंड, आज मैं घर में कैसे चावल और दाल की इडली बनती है वो मैं बताने जा रही हूँ। जो मैंने पहले से चावल और दाल को पानी में 4 घंटा के लिए भिगो के रखी थी। चावल आपको अगर बनानी है तो 2 कप चावल और 1 कप दाल जो मैंने पहले भिगो के रख दी हूँ, अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ। ये जो दाल है उड़द का दाल है और ये जो मैंने चावल डाली है, नॉर्मली आप जिस चावल से घर में राइस बनाते हैं बस वही चावल है, इसके लिए कुछ बाहर से आपको चावल लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने चावल और दाल को दोनों को पीस ली हूँ। इसमें बारीकी होनी चाहिए और दरदरा नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए 4 से 5 घंटा के बाद आपका इस तरह ये थोड़ा सा फेन फेन जैसा हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्का सा 1 से 2 चम्मच तक पानी बस। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब इसे मैं बनाने जा रही हूँ इडली। ये इडली का स्टैंड है। पहले इसमें थोड़ा सा सादा तेल लगा के इसे अच्छी तरह, उसके बाद फिर ये जो बैटर तैयार करके रखी हूँ ये हल्का हल्का करके ये आपका इडली मेकर है जो मैंने पहले से पानी को गर्म करके रखी हूँ और उसके बाद जो इडली को रखी थी ट्रे में अब इसे रखना है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें ढक के छोड़ देना है। अब मैं सांभर बनाने जा रही हूँ जो मैंने पहले से दाल को धो के रखी हूँ। पहले मैं प्रेशर कुकर में पानी रख के पहले दाल को डाल रही हूँ। दाल डालने के बाद ये मैंने सब्जी जो पहले से कट करके रखी हूँ, ये थोड़ा सा कद्दू, ये रही प्याज, ये हरी मिर्च और ये रही गाजर। इसके बाद मैंने इसमें अब डालनी है हल्दी, ये नमक स्वाद अनुसार। अब इसे मैं प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा दी हूँ। आप इसे कम से कम 3 से 4 सीटी लगने दीजिएगा। ये 15 मिनट कंप्लीट हो गया। आप मैं इसे खोलती हूँ। ये आपका इडली, पहले आप कुछ किसी नखुले चीज़ से ये करके देखिए। हाँ, अब आपका इडली बंद के तैयार है। अब मैं इसे ये गरम है, इसे निकालने के लिए सबसे तरीका ये है कि आप पानी के पास लेके आइए, हल्का सा ये कीजिए बस। ये इडली आपका आसानी से निकल जाएगा। ये आपका सांभर
अब इसमें मैं एक से डेढ़ चम्मच तक सांबर का मसाला है जो डाल रही हूँ। इसी से आपका इसमें फ्लेवर पूरी अच्छी तरह से आ जाएगी। यह है आपका सांबर मसाला जो नॉर्मली सभी दुकान में पाई जाती है। अब इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा उबाल आने के बाद अब इसे मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और डालने के बाद इसमें ये आपका रहा, थोड़ा सा तेल पक जाना चाहिए नहीं तो कच्चा गंध रहता ही है इसमें। ये होने के बाद आप इसमें सरसों और लाल मिर्च, जब सरसों चटक जाएगी उसके बाद कढ़ी का पत्ता, एक छोटी चम्मच हींग, अब इसमें जो मैं की हूँ ये सांभर में डाल रही हूँ। और ये थोड़ी सी इमली की पानी जो मैंने गर्म पानी में इसे निचोड़ के निकाल की थी, अब मैं इसमें इमली की पानी डाल रही हूँ। बस आपको जितना खट्टा चाहिए उस अनुसार आप दीजिए। ये मेरा सांभर तैयार है। अब मैं बादाम की चटनी बनाने जा रही हूँ जो मैंने पहले से बादाम और चना का दाल तेल में फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं इसे एक जार में डाल रही हूँ। डालने के बाद इसमें नारियल भी डालनी है। अब हल्का पानी देने के बाद इसे मैं पीस ले रही हूँ। ये मैंने बादाम और चना दाल का और नारियल का चटनी तैयार है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक देनी है। नमक देने के बाद जो मैंने पहले सांभर के लिए तड़का करके रखी थी बस वही देनी है अब इसमें। ये आपका अब इसे अच्छी तरह फेंटनी है। बस चलो तैयार हो गई है। ये आपका इडली सांभर और ये चटनी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप घर में ट्राई कीजिए, दम दुकान की तरह ही है।